देखो दोस्तों क्या नेचर है, एक तरफ आम एक तरफ लीची, एक तरफ लीची, सही बात है। ओह मुझे चक्कर आ रहा है यार, मैं हाइट में नहीं जा सकती भाई। फाइनली दोस्तों काफी दिनों के बाद दोबारा से हे भगवान पहाड़ी रास्ते देखने को मिल रहे हैं। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत सही था। अच्छा लगा बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया यार, पानी तो स्वागत है आपका कुकृति फैमिली के एक न्यू ब्लॉग में। और हम दोनों हो गए हैं रेडी और अभी टाइम हो गया, उठ गए थे हम 3:30 बजे और अभी जो है करेक्ट टाइम 4 बज गए और 4 बजे का निकलने का ही प्लान था। 3:30 बजे भाई साहब सोए कब थे? हाँ सोई नहीं थी सीमा, क्योंकि इसकी वीडियोस थी जो बनाती है, तो वो क्या कहते हैं जो बनाती है मीन्स की जो इसकी ड्रेस की वीडियोज़ होती हैं, जो आउटफिट की वीडियोज़ होती हैं, तो उससे पूरा क्या था कि फ़ोन मेमोरी पूरी भर गई थी, तो जब वो खाली होगी तभी आगे की वीडियो बनेगी। तो पूरी रात भर उसको ही मैनेज कर रही थी, तो किसी तरह से हो गया है पूरा और हम करते हैं अब आगे की वीडियो कंटिन्यू। तो बच्चे सो रहे हैं, हम सोचा है कि बस उनको उठाएंगे और बैठाएंगे गाड़ी में और चलेंगे यहाँ से। क्या है कि मम्मी पापा और आशीष भाई भी रेडी हो रहे हैं और बस 5 मिनट में नीचे जाएंगे और दिखाते हैं आप सभी लोगों को, फिर उसके बाद आगे। मेरे कपड़े जो हैं बस वो इतने सही हैं और इसको मैं रखने जा रहा हूँ इस बैग के अंदर, ठीक है? तो बस ये आ गए मेरे कपड़े सारे। सबको तो मुंगा हो गया, चुके हैं उत्तराखंड। हेलो भैया आ गए हैं नीचे और ये सारे बैग हैं। अपना बैग ही रख दो इसी में, ये वाला उत्तराखंड। अरे यार दोनों बच्चे पहली बार जा रहे हैं उत्तराखंड। शंभु पहली बार जा रहे हैं उत्तराखंड घूमने के लिए, तो बोलो भैया जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो चलो भाई राइड शुरू करते हैं आशीष भाई के साथ में। जय सबसे भैया आशीष भाई है साइड में। सही बात है, हम तो भैया उन्हीं के भरोसे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? चलो भैया यात्रा हो चुकी है शुरू नमो नमो के साथ में। चलो तो अभी जो है थोड़ा उजाला हो गया है, ढाबे में आ रहे संभव की मस्ती शुरू हो गई, तो यहाँ पे ले ली सबने अपनी जगह, क्या बात है। तो अभी क्या है दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मुजफ्फरनगर के आसपास हैं, मुजफ्फरनगर से आ गए और रुड़की के बीच में कुछ ऐसा है और भूख लग गई सबको। वैसे हम जो खाते हैं खाना जनरली वो खाते हैं 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास, लेकिन जो आज खा रहे हैं वो खा रहे हैं 7 बजे। अभी जो है टाइम हो रहा है 7:10 और सबको भूख लग गई, तो ये रास्ते में दिखा एक क्या नाम है कन्हैया शुद्ध ढाबा, तो बस यहीं पर खाना खाते हैं, अभी पराठे खाएंगे भैया, खाएंगे अपना फेमस पनीर पराठा। काशी का मैगी है, कासू का मैगी, पापा बना सारा मिक्स। अच्छा पापा का कुल्हड़ वाली चाय, भाई साहब 5 साल देखने को मिल रहे हैं भैया, 5 साल हो गए मुझे गाँव गए हुए। बताओ भाई, तो खाना पीना खा के हम आगे निकल चुके थे और ये उल्टी भी कर दी। यहाँ पे देखो दोस्तों ये ना अब हरिद्वार लगने वाले हैं और पहाड़ों के दर्शन होने सही में। जय हो जय हो जय हो उत्तराखंड, जय हो। ओए 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 बेटे देखो मेरा अमरापुर घाट खाली पड़ा है, अभी देख रहे हो बिल्कुल खाली। दोस्तों मनसा देवी मंदिर जो कि ये दिख रहा है चोटी पे, ये दोस्तों हर की पौड़ी। जय हो शंभुनाथ। वाह यार ये कब की मूर्ति है पता है, कब बहुत पुरानी मूर्ति है, बहुत पुरानी। देख रहा काशी ये शंभु का ही है। हाँ ये वाला शंभु नहीं, भगवान जी वाले शंभु, इन्हें शंभु का है। और यहाँ पर हम रुके हैं सोडा से गंजी पीने के लिए, तो बस पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। और फाइनली दोस्तों काफी दिनों के बाद दोबारा से पहाड़ी रास्ते देखने को मिल रहे हैं, ये अपनी देवभूमि। काशी कैसा लग रहा है? काशी तो फर्स्ट टाइम देख रही है इस रास्ते। काशी देख
काशी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पसंद आया, क्या बात है। और यहाँ से केवल रह गया तो स्वागत जमीन हमारे लिए, 12 मिनट का रास्ता रह गया। शंभू हम कहाँ गए? हम आगे से देखो, अच्छा कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना सुंदर है। अरे वाह, और फाइनली दोस्तों हम लोगों ने एंटर कर लिया है अभी होटल में। तो बस दोस्तों, एक लंबे सफर के बाद फाइनली हम आ गए हैं डेस्टिनेशन जो कि है ये देहरादून में, थोड़ा सा ऊपर जाकर है। मतलब ये देहरादून सिटी में ना हो गए, थोड़ा सा ये अलग है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसा कि और ऐसा ही कुछ चाहिए भी था और मिल भी गया, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। फिलहाल तो जो वाइब्स हैं काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। अभी चलते हैं अंदर, चलो भाई सीमा। काफी लेकर आई मेन्यू, बोल रही है सबको, बोल रही है कौन सा खाना है क्या खाना है। तो आ गए हैं अभी रूम में और ना सही में काफी अच्छा लग रहा है। ये हर टाइप का है, मैं बाहर से दिखाऊंगा अभी जब बाहर जाऊंगा। बहुत अच्छा रूम है। ये देखो लगाई दे रखी है, पता है कि रात को ठंड होने में लगाई दे रही है। और माँ तो भैया कहाँ से ही लेट गई, मम्मी तीन बार उल्टी हुई है, हम काउंट करते हुए तो तीसरी बार उल्टी भी लेट रखी है। सही हो जाएगी, अच्छा लगा दी, हवा कर रही है। अच्छा हवा मत कर, हवा आ रही है सामने से, ठीक है। देखो आप क्या कर रही है। तो फिलहाल तो यहाँ पे जो थकान है वो मिटाई जा रही है। इसी बीच में आ चुका है यहाँ पे खाना, तो बस भैया खाना खाते हैं फिलहाल और फिर करते हैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू। तो बस दोस्तों अभी खाना पीना खा लिया, और खाना पीना खाने के बाद हमने सोचा कि यार जब आए रखे हैं तो क्यों आराम करना है, जो है कि टाइम को अपना कंज्यूम कर लेते हैं, टाइम को अपना जो है। मुझे बहुत नींद आ रही है, पर मैंने कहा यार नींद तो हमें हमेशा ही आती रहेगी, और इतनी प्यारी जगह है, सीरियसली दोस्तों इतनी अच्छी जगह है ये। वो हम इसमें है 101 में, ठीक है। और पापा और आशीष भाई जो हैं वो इस वाले में है सामने जो है। कौन देख रहा है, हे भगवान। अच्छा माँ है, सो जा माँ को भी लग रहा है नींद नहीं आ रही। नहीं मम्मी ने नींद ले ली अपनी, उठ गई है मम्मी नींद से। अच्छा नहीं, बढ़िया है। एक रूम है और वॉशरूम वगैरह, ये एक रूम ऐसे एक मतलब हर टाइप का बनाया हुआ है। पता है यहाँ पे दो फिश भी है, ऑरेंज कलर की फिश भी है। हाँ। क्या बात है, कहाँ है वो देखेंगे तब से यार। देखो ना हमने देखी एक छोटी सी। अच्छा हाँ हाँ यार सही बात है, सबसे पहले आगे फिश ही देखी थी, ऑरेंज कलर की है। मैं अपने घर में ना ऐसे पौधे लगा लगा के थक गई, एक भी नहीं हुआ। और यहाँ देखिए ऐसे उग रखा है घास की तरह, सारे पौधे घर पे नहीं लगे। और अभी हम सोच रहे हैं ना कि बच्चे सो रखे हैं, मम्मी थोड़ा देख रही है, तो हम वो टॉप पे एक चीज बना रखी है ना सेटिंग एरिया, वहाँ चले जाए। चलो देख के आते हैं। पापा और भैया यहाँ सो रहे हैं 104 में। फिलहाल अभी चलते हैं वहाँ पे टॉप पे, दिखाते हैं आपको। आम के पेड़ है क्या? हाँ यार आम का पेड़ है, और कितने आम उग रहे हैं इसमें। चलो ऊपर चलते हैं। वो नीचे कौन है? कैट माने बिल्ली। ओह मुझे चक्कर आ रहा है यार, मैं हाइट में नहीं जा सकती भाई, पहले बैठ जाऊँ। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। तो रील बनाने की बात कर रहे हो? सही है। ओह भयंकर, मुझे नीचे देख के डर लग रहा है। हम दोस्तों हाइट में, और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको जो ये होटल का जो नेम है वो मेंशन है। सो सामने देख के रॉयल ट्री कैफे एंड रिजॉर्ट, तो ये है सामने। नीचे जस्ट जो है रिसेप्शन है, बस बढ़िया। और यहाँ दोस्तों आ रखे हैं ना, तो मैं आपको दिखा लेता हूँ कि यहाँ से जो है पहाड़ भी दिख रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि वहाँ जो है टॉप पे एकदम जो एकदम टॉप पे है ना वहाँ चले जाऊँ। यहाँ पे अलग बात है, लेकिन जो पहाड़ पे जाके ना वहाँ पे जो एक व्यू आता है, वहाँ जाके जो एक शांति मिलती है। यहाँ पर भी बहुत शांति, यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वो थोड़ा अलग हो जाता है। और जब मैं यहाँ पर चढ़ रहा हूँ तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो लीची, देखो आप देख रहे हो, और ये देखो दोस्तों कितने सारे आम लगे हैं। वाकई में यार कितने सारे आम हैं यहाँ पे। बाबा ओ भैया उठ गए, देखो भैया यहाँ देखो, यहाँ आशीष भाई। हाँ हमने सोचा जब तक आप उठते हैं आपके लिए आम तोड़ देते हैं यहाँ से। ये देखो दोस्तों क्या नेचर है, एक तरफ आम एक तरफ लीची, एक तरफ लीची सही बात है, और एक तरफ हम लटके हुए यहाँ पे। तो बस दोस्तों टाइम हो गया यहाँ पे 4:30, 4:30 बज गए हैं, और हम लोग निकल रहे हैं अभी रोवर्स केव के लिए। तो जो हमारा यहाँ पे आने के बाद जो पहला घूमना होगा, जो पहला जो एक
साइट सीइंग जिसे कह सकता हूँ मैं, वो है रॉबर्ट्स केव, जो कि यहाँ से पास नहीं है। और देख लो सभी लोगों ने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए सिर्फ मेरे को छोड़ के। अरे आपने वही पहने? हाँ, क्योंकि मैं उसमें अच्छा लग रहा हूँ ना, तो मैंने वही पहन के रखा है। बाकी यहाँ से पास नहीं है रॉबर्ट्स केव। तो बस यहाँ से निकलते हैं और पहुँच के दिखाते हैं आपको। चलो सभी दोस्तों हम जा रहे हैं गुपचुप पानी, और देख लो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, और बाकी भीड़ आपको वहीं जाके दिखाते हैं। तो ये हैं आड़ू। अच्छा डर रहे उसको देख के डर रहा है। क्यों मेरे को डर आता है? इसकी शक्ल देख के डर रही हो? अरे आंख बंद कर रही है अपने। तो बस अभी अंदर एंट्री कर ली, और अंदर एंट्री करने के बाद थोड़ी जो राहत आई है ना, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा उमस है। कहने को हम उत्तराखंड में, लेकिन बहुत ज़्यादा उमस है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो देख लो भाई, चलो इसके लिए तो मिल गया यार, कब से परेशान हो रही थी। हाँ मिकी माउस वाला मिल गया। क्या बात है, मिकी माउस है कहते देखो। बस बस अभी हम लोग अंदर आई गई थी, और अभी यहाँ से चप्पल लेते हैं जो कि 10 रुपए में मिलती है, और फिर हम चलते हैं पानी के अंदर और यहाँ से चप्पल ले लेते हैं अपने लिए, पसंद कर लेते हैं। केप के अंदर तो भैया ले रहे हैं अभी गुपचुप पानी के मजे। ये बस हमारा सम्मू नहीं ले पा रहा मजे गुपचुप पानी के। हाँ शंभू गुपचुप पानी। शंभू मजा आ रहा है, शंभू कह रहा मुझे नीचे 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 छोड़ दो, मैं भी लूंगी मजे गुपचुप पानी के। है भाई नहीं प्यार के लिए करूँगा, नहीं प्यार के लिए करूँगी। ये सही में जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने के बाद वो अच्छा है, मजा आ रहा है, क्योंकि पानी इतना ठंडा है ना, जो गर्मी थी पूरी साहिबाबाद से लेके यहाँ तक की वो निकल चुकी है। ये तो ज़्यादा पानी बहुत ठंडा आ रहा है। क्या भैया क्या बात है जम्बो, ऊपर ले चलो मुझे वहाँ पे। बच्चा नहीं वहाँ जाते बच्चा, कहाँ से लौट रहा था ने कुछ पानी में क्या किया, यहाँ से लौट निकाल के कुछ पानी में फेंक दिया। वो अंदर जो है छुई मुई की यात्रा करके, छुई मुई है ना, क्या है नाम भूल गया मैं इसका यार, गुपचुप। हाँ तो अंदर अभी गुपचुप की यात्रा करके ठंडे ठंडे पानी में से निकल के हम लोग आ गए हैं यहाँ, जहाँ पे काशी ने जाते हुए देखा था कि मुझे झूला झूलना है, और यहाँ पे जो है अभी काशी, क्या बात है, तो जंपिंग जंपिंग कर रही है। तो शंभू क्या बात है भाई। तो यहाँ खा रही है गुड़िया, गुड़िया के बाल। हम तो सब भाई कहते थे गुड़िया के बाल, बाकी उसको अलग अलग नाम से बोलते होंगे लोग, गुड्डे के बाल, गुड़िया के बाल। शंभू दीदी कहाँ है, दीदी शंभू दीदी कहाँ है, दीदी ने खा रही है, बुल्ली खा रही है। क्या लेके आ रही होगी, क्या है भाई ये बेलपुरी है क्या? पहले टेस्ट करके देखो अच्छा होता है, एक बार प्लेट लाऊंगी। चलो भाई आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो। तो हम तो ले रहे हैं सब आइसक्रीम का मजा, और पापा ले रहे हैं चाय का मजा, अलग बैठ के एकदम। चलो आइसक्रीम खाते हैं और फिर करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। तो बस भैया देख लिया गुपचुप पानी, और अब गुपचुप तरीके से जाते हैं वापस होटल, और वेट करते हैं किस चीज का पता नहीं, देखते हैं और कुछ अगर देखने को मिल जाए तो फिलहाल रास्ते में, वरना जाते हैं सीधे होटल और देखते हैं आगे क्या कुछ करते हैं। बाकी आप लोग बताना कि कैसा लगा आपको गुपचुप पानी, और कौन लोग यहाँ पे आने चाहेगा देखने के बाद। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ठीक है, सही है, बढ़िया है। आसिफ भाई आपका? हम तो ओके ओके मतलब ओके ओके आना, एक बार आना सही है, एकदम सही है। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत सही था। गुपचुप पानी का सही रहा? अच्छा। कैसा लगा मम्मी? हां दे आए ना। मां गुपचुप पानी कैसा लगा? हां गुपचुप पानी कैसा लगा? आप कैमरे में घुस रही है। पापा कह रहे अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, क्या पानी है गुपचुप पानी, क्या पापा कह रहे क्या पानी है गुपचुप पानी। चलो आगे चलते हैं। अभी दोस्तों वापस आ गए हैं हम होटल, और बाकी का देखते हैं कहाँ जाते हैं तो करते हैं कंटिन्यू। तो अभी हम आ गए हैं बाहर होटल से, और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि देखो कितना अभी सुबह कितनी रौनक थी यहाँ पे, और अब देखो रात।
जो आवाज आती है चिंग 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 चिंग, आपको भी चिलगटों की आवाज आती है, वो आपको भी आ रही होगी अभी ब्लॉग में। तो उस तरह की जो आवाज है अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। हाँ बस तुमने दुकान देख ली ना अभी, चल आगे चलते हैं। चल वो देखो व्यू यार, इतनी लाइटिंग हो रखी है ना ये दोस्तों। ये मसूरी है, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, कैमरे से मैं ले रहा हूँ ये वीडियो, कैमरे से तो क्या फ़ोन से ले रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। कल जो हम लोग हैं उस साइड ही जाने वाले हैं, मे भी हो सकता है कि उधर स्टे ना करके स्टे करें हम चंबा में, वैसा हो सकता है, लेकिन घूमेंगे जरूर वहाँ पे, तो फिर दिखाएंगे। और आप में से मुझे लगता है कि जो भी उत्तराखंड में रहता है या जो देहरादून में रहता है, मसूरी तो गया ही होगा क्योंकि पास में ही है। जब यहाँ जब मसूरी में तो लोग अपना मतलब जो देसी लोग हैं है ना वो सब आ रहे हैं, तो उत्तराखंड से तो पास में ही है, तो मुझे लगता है कि मोस्टली लोग जो जाते ही हैं मसूरी में है ना। वही तो मैं वही दिखा रहा था वीडियो में ना, अभी इतना लाइटिंग हो रही है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो अभी फिलहाल तो मैं ऐसे ही घूमने आ रखी एकदम अंधेरा। हाँ और ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है शंभू बेटा। और दिन तुम घूमते थे 12 जिन क्लब की गलियों में, आज तुम यहाँ घूम रहे हो देहरादून की गलियों। तो यहाँ की गलियों से सैर करने के बाद वापस आ गए हैं, और ये सामने है बिल्ली से कह रही खाएगा ये बच्चा, दूध पीती है, दूध कैट दूध पीती है, कैटी हेलो। एक यहाँ पे कैट और एक यहाँ पे डॉगी भी है, वो मैंने आई थिंक दिखाया हो किसी ने ब्लॉग में, ये मेरे ख्याल से दोनों दोस्त हैं क्योंकि दोनों साथ में रह रहे हैं, और जब दोनों साथ में रहते हैं बिल्ली और डॉग तो वो दोस्त बन जाते हैं, है ना, मैंने सही बोला ना। कैटी कितनी अच्छी है क्योंकि ये फैमिलियर होगी ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भाग नहीं रही है, डेली देखती होगी यहाँ पे, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, सबके साथ घुल मिल जाती है। मेरे दोस्त बनोगी? हाँ, और इसकी बाँकी कैसी हो गई थी अभी, आप मेरे दोस्त बनोगी? बन जाओ मेरे दोस्त। इसकी आँखें कैसी हो रही है अभी यार? हाँ ठीक है चलो हम चलें। कहने वाली बात है दोस्तों कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता भैया ना, जैसे पुराने लोगों ने बोल दिया कई सारी बातें हम वैसे ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। चलो भैया जी, बस दोस्तों अभी टाइम हो गया खाना खाने का। मैगी खाता रहेगा क्या? मैगी नहीं आई तो अपना जो खाना लग गया है यहाँ पे, तो दिन में कुछ और मंगाया था और शाम को कुछ और, तो मिक्स वेज मंगाई है अभी, और दाल है पर ये की मतलब बिल्कुल ना घर जैसा स्वाद है, घर जैसा स्वाद तो है, ये है कि टाइम लगा लेकिन अच्छा खाना बना के दिया वो आने सकल बता रही है। बस दोस्तों टाइम हो गया है आज का ब्लॉग एंड करने का, और काफ़ी अच्छा था ब्लॉग आज का, मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, क्योंकि हमेशा जो था कि हम अपने घर में बना रहे हैं ब्लॉग या घर के आसपास बना रहे हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद जो है फैमिली के साथ में आए हैं अपने देवभूमि उत्तराखंड में, तो कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग जहाँ पर हम आए हैं, कहाँ पर आए हो मैंने आई थिंक बताया ना हो पहले ब्लॉग में, जो ये है बिष्ट गाँव है, और बिष्ट गाँव में क्या बोलते हैं जो कुछ है कुछ जगह बता रहा हूँ मैं, एक सेकेंड आपको मोबाइल देखो बताता था। हाँ तो ये जमोली वाला है, जमोली वाला भगवंतपुर देहरादून में, तो देहरादून में हम बिष्ट गांव में जमोली वाला में, तो यहाँ पर है और काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा है जो ये कॉटेज मिला है, बहुत सुंदर है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर मैं कभी भी देहरादून में आता हूँ तो मैं इस जगह पर ही आऊँ, क्योंकि काफ़ी पीस है, मुझे वैसे भी क्राउड जो है बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी मैं रहूँ वहाँ पर पीस रहे और अच्छा रहे, तो बस काफ़ी मज़ा आया, और इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। एंड आज हम लोग गए गुपचुप पानी, और बस कल हमारा जो प्लान है वो जाने का है ऊपर, ऊपर मींस जहाँ मसूरी है चंबा है, तो कल वहाँ करेंगे एक्सप्लोर, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे है मतलब डे आफ्टर टुमारो, तो वहाँ पे हमारा जाने का प्लान है आई थिंक टिहरी, तो टिहरी जाएंगे, तो फिलहाल वो कल चलता है मालूम कि कल हम क्या करते हैं, फिर परसों का मतलब प्लान जो है अभी इस तरह से वो आपको आने वाले ब्लॉग में चलेंगे मालूम, और हम कोशिश करेंगे कि जो ब्लॉग है ये वाला 5G नेटवर्क तो है यहाँ पे, अच्छा नेटवर्क है, तो कल इसको अपलोड कर देंगे, तो डे टू डे जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे, और आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय शंभू।